अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जेनी और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद जेनी लिब्रा। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी। हम अपने फेस की पॉलिशिंग और हैंड्स की, फुट की पॉलिशिंग तो करते हैं, पर साथ साथ हमें अपनी बॉडी की भी पॉलिशिंग करनी चाहिए। ये रेमेडी उन गर्ल्स के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या फिर वो बाकी गर्ल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जी, हम चलते हैं अपनी इस रेमेडी की तरफ। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम चलते हैं अब अपनी रेमेडी की तरफ। तो फुल बॉडी पॉलिशिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक इस तरह का बाउल। आप कोई भी एक इस तरह का बाउल ले लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर। जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है उसको मैंने पीस के उसका पाउडर बना लिया है। 1 चम्मच हम डालेंगे मसूर की दाल का पाउडर। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया मसूर की दाल का पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन का, 1 चम्मच। अब हमें चाहिए होगा 1 चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर। एक चावल के आटे में बहुत अच्छी व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो मैं आपको बार बार बताती हूँ। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, व्हाइट करता है, ग्लो देता है और ये आपकी स्किन को टाइट करता है। 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे लेमन पील पाउडर। लेमन के छिलकों को मैंने सुखा लिया और उसको मैंने इस तरह से पीस के उसका मैंने पाउडर बना लिया है। 1/2 टेबल स्पून लेमन पील पाउडर। 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज का सीजन है तो आप भी अब ऑरेंज के छिलकों को सुखा के उसको इस तरह से ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। तो 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये हमने अपनी सारी ड्राई चीजें इसमें डाल ली हैं। अब हम अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपने इसको फुल बॉडी पे लगाना है तो इतनी क्वांटिटी आपकी फुल बॉडी के लिए इनफ है। अब आप इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। 1/2 टीस्पून आप इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। आप इसमें होममेड एलोवेरा नहीं डाल सकते, आप इसमें इस तरह की एलोवेरा ही डालेंगे, बाजार वाली। 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी ग्लिसरीन। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से आप इन सारी चीजों को मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। इसका हम इतना रोज वाटर डालेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये इस तरह का एक पॉलिशर तैयार हो गया है। ये पॉलिशर आपकी पूरी बॉडी के लिए है। ये आपकी बॉडी को वाइट कर देगा, ग्लो देगा और आपकी बॉडी का जो जो पार्ट ब्लैक है ये उनको वाइट कर देगा। तो अब आपने इस पॉलिशर को लगाना कैसे है, आपने इस पॉलिशर को इस तरीके से लेना है और अपनी पूरी बॉडी पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। पूरी बॉडी पे आपने इस पॉलिशर को अप्लाई करना है और आधे घंटे के लिए आपने इसको अपनी बॉडी पे रहने देना है। आधा घंटा आप इसको अपनी बॉडी पे इसी तरीके से रहने देंगे और आधे घंटे के बाद आप अपनी बॉडी को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। पहली बारी में ही ये पॉलिशर आपको बिल्कुल क्लियर रिजल्ट देगा।
जिन गर्ल्स की शादी होने वाली है वो इस पॉलिशर को एक मंथ पहले ही लगाना स्टार्ट कर देंगी और डेली बेसिस पे आप इसको लगाएंगे, पूरी बॉडी पे आप इसको अप्लाई करेंगे और लगा के 30 मिनट के लिए आप इसको रहने देंगे अपनी बॉडी पे। उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आप इसमें लौंग, जो लौंग हम खाने में यूज़ करते हैं, चावल वगैरह बनाने में लौंग यूज़ करते हैं, उस लौंग का आप पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज मेरे फेस पे और या मेरी बॉडी पे एक्नी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लौंग का पाउडर यूज़ नहीं किया। तो जी, 30 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें, इस पॉलिशर को मेरे हैंड पे लगे 30 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको वॉश करके इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, हैंड मैंने अपना वॉश कर लिया है, देखें कितना क्लियर रिजल्ट आया है। पहली दफा में ही आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा, दोनों हैंड्स में आप डिफरेंस चेक करें, इस हैंड में ग्लो आ गया है। तो जी, ये बॉडी पॉलिशर बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको मेरी आज की इस बॉडी पॉलिशर की रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।